दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में सब कुछ होता है, लेकिन मज़ा तो तब होता है जब दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में सख्त हरीफ की तरह खेले, ताकि तमाशाई मैच से लुत्फानंदोज हो सके। दोस्तों, श्रीलंका में एक क्रिकेट लीग जारी है, जिसमें दो रोज कबल हमारे स्टार मोहम्मद आमिर की एक अफगानी प्लेयर यानी नबीदुल हक से क्रिकेट मैच के दौरान लड़ाई हुई। अफगानी बॉलर को एक बॉल मिस करवाने के बाद अकड़ आ गई, जिसका नतीजा ये निकला कि अगले दो बॉलों पर मोहम्मद आमिर ने एक छक्का और एक चौका लगाया, जिसकी वजह से अफगानी प्लेयर को गुस्सा आया और आमिर के साथ लड़ पड़े। इसी वजह से पाकिस्तानी शायकीन सोशल मीडिया पर अफगानी प्लेयर और अफगानिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि क्या किसी मुल्क के एक शख्स के बुरे रवैये का जिम्मेदार अगर आप इस पूरे मुल्क को ठहराएंगे तो ये आपकी कमजोरी होगी। और मैं इन लोगों से ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आमिर के साथ लड़ने से बंदा काफिर हो जाता है? अगर नहीं तो फिर मुसलमान पर लानत क्यों? क्या आमिर के साथ ज़रा सी बात हुई तो इस पर अफगानिस्तान को नमक हराम कहना अच्छी बात है? हो सकता है इन्होंने एक दूसरे के साथ माजरत कर ली हो और हम लोग अभी तक गालियां दे रहे हैं। जवान हून गर्मी दिखाता है, बच्चे ने गलती की, लाला ने डांट दिया। शुएब अख्तर की इंडिया के कितने प्लेयर से लड़ाइयाँ हुई, लेकिन आज इकट्ठे प्रोग्राम्स करते हैं। खुदारा क्रिकेट को क्रिकेट रहने दे, इतनी नफरतें ना पिलाए। मैं अफगानिस्तान के सीनियर खिलाड़ियों और मैनेजमेंट से भी दरख्वास्त करता हूँ कि अपने इन बच्चों को तमीज़ सिखा कर खेलने भेजा करें, क्योंकि ये इनकी गली मोहल्ले का गेम नहीं बल्कि बैन अल-अक़वामी गेम है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।